दिल्ली में प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई है, इसका भी प्रदूषण उसी उसी मुताबिक कितना नाश लेता, क्या कहना है सर? और ये पोल्यूशन कोरोना में कितना? देखिए, जितने भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस समय पॉल्यूशन बढ़ेगा तो कोरोना के केसेस भी नेचुरल बढ़ेंगे, और पॉल्यूशन से जो इफेक्ट होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसमें कोरोना केसेस भी बढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ जिन लोगों को पहले से बीमारी है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इस एयर पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली के अंदर पिछले एक महीने के अंदर लगभग 30 गुना बढ़ गया। पीएम 2.5 का लेवल 30 गुना बढ़ गया है। पिछले 3-4 दिनों के अंदर 3,000 से 4,000 शिकायतें पॉल्यूशन ऐप पर दर्ज की गई है, हाई पॉल्यूशन की वजह से। मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार ने 2018 में एक ग्रीन बजट जारी किया था। ये कहा था हम ये मेजर लेंगे, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली में पॉल्यूशन का जो मुख्य कारक है वो है व्हीकल्स, और उसमें उन्होंने कहा था हम इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे डीटीसी के बेड़े में। वो उन्होंने 1,000 बसें कही थी, एक भी बस नहीं आई। उन्होंने कहा था चौक चौराहों पर जहां पर पीएम 2.5 का लेवल अधिक रहता है वहां पर एंटी स्मोक टावर लगाएंगे, लेकिन एक भी एंटी स्मोक टावर दिल्ली सरकार की ओर से नहीं लगाया गया। जबकि सेस के माध्यम से जो लोग टैक्स के रूप में बहुत पैसा, लगभग 1,000 करोड़ रूपया हर साल दिल्ली सरकार के पास आता है, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि उस पैसे का उन्होंने क्या किया? क्या सिर्फ चौक चौराहों पर होर्डिंग लगाने से, उनकी फोटो लगाने से पॉल्यूशन कम हो जाएगा? पॉल्यूशन का कम करने के लिए जो मेजर्स, जो घोषणाएं आपने की, उसमें लास्ट मील कनेक्टिविटी की बात थी, उसमें सोलर पैनल की बात थी, उसमें 2 करोड़ पेड़ लगाने की बात थी, ये जो सब बातें थी वो बातें जब तक आप ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। और सब लोग ये कह रहे हैं स्थायी समाधान के लिए आपको जो मेजर्स लिए उन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ कोरी बातें करना, प्रचार करना आज दिल्ली की सरकार का यही काम रह गया।